और अब ये देखिए अजय कुमार लल्लू, नीरज कुंदन, ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। पुलिस एक बार फिर से हाथ खींच के, जो अजय कुमार लल्लू पूर्वाध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, और ये बस में आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं उनको ले जाया जा रहा है, तमाम वरिष्ठ नेता। ये आप देख सकते हैं महिलाएं, पुरुष, वरिष्ठ नेता, युवा नेता, सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। और भारतीय सरकार जो है वो तमाम इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल करके, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, इनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। नीरज भाई, ये जो आंदोलन है, कहा यह जा रहा है कि महंगाई के खिलाफ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी, आरोप ये लग रहे हैं कि जो ईडी की रेड पड़ रही है उसके विरोध में महंगाई को आड़ लेकर ये आंदोलन, क्या क्या कहना चाहिए? मैं उल्टा कहना चाहूंगा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ईडी का मुद्दा जो है वो सामने लाया जाता है। ये जो है गरीबों की और बेरोजगारों की लड़ाई जो है कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और ये कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं दबा रहे हैं, ये बेरोजगारों की और जो महंगाई है उनकी आवाज दबाने का काम जो है ये भाजपा कर रही है। एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं आप नीरज भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं, डाटा ये बताते हैं कि रोजगार है नहीं, डाटा ये कहता है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन जब चुनाव होता है तो इलेक्टोरली आप लोग कंसोलिडेट क्यों नहीं करवाते हैं वोट को, युवा इलेक्टोरली आप लोगों के साथ क्यों नहीं दिख पाता है? देखिए, ये जो सरकार है इसने जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी संविधानिक जो हमारी चीजें उन सब पे कब्जा कर रखा है, और जो ही उनसे वो कब्जा हटेगा आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है हर एक चुनाव जो है वो जीतेगी। और अब ये युवा एनएसयूआई जो है, एनएसयूआई संगठन के जितने भी लोग हैं उनको खींच खींच कर ले जाया जा रहा है, इस तरह के वीडियोस आपने पहले भी देखे थे, और एक बार फिर से देखें नीरज कुंदन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनएसयूआई के, तमाम युवा लोग जो संगठन से जुड़े हैं, ये आप देख सकते हैं अजय कुमार लल्लू यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं, और पुलिस का फिर से वही बर्बरतापूर्ण चेहरा जो है वो देखने में आ रहा है। पुलिस एक बार फिर से, जो नेता है चाहे वो एनएसयूआई के लोग हों, चाहे वो मेन कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो यूथ कांग्रेस के लोग हों, पुलिस की बर्बरता से जूझ रहे हैं। अजय कुमार लल्लू जो पूर्व अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, उन्हें देखा किस तरीके से ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी ने आज भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सरकार के कब्जे में हैं, और ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक करती हैं क्या कि आवाज विरोध के उसको दबाने का काम कर रही है सरकार, पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए और तमाम इंस्टीट्यूशंस के जरिए जिनको वो कंट्रोल करती है। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया, और इन्हीं आवाज के साथ कांग्रेस के तमाम नेता इस विरोध को दर्ज कर रहे हैं, ये विरोध दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रत्येक एक एक कार्यकर्ता अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो गहरी सत्ता के नशे की नींद में सोए हुए हैं उनकी नींद को जगाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेगा। युवाओं से, छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम छात्रों से यही अपील करना चाहेंगे कि अपने आखिरी दम तक ये सरकार जो बेरोजगारी जो बढ़ा रही है उसके खिलाफ अपनी जंग जो है वो जारी रखेगी। हमने देखा पुलिस आज भी बर्बरतापूर्ण तरीके से आपको बस में बिठा के लाई, इससे पहले भी इस तरह के फुटेज आ रहे थे। पुलिस वगैरह के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या? पुलिस जो है वो पूरे सिलेंडर हो चुकी है, संविधान की धज्जियां उड़ाने में भाजपा का साथ जो है पुलिस दे रही है। जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल, आपकी आवाज अब सुनेगा देश, मुद्दा आपका, मंच हमारा, शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़।